नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव, चेयरमैन वीएनडी ग्रुप। और आज आपके लिए जबरदस्त एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। टॉपिक है अपनी दुकान अपने घर पर कम से कम लागत में सोलर सिस्टम कैसे लगवाएं। तो अगर साथियों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा जो उद्देश्य है दोस्तों, हमारा उद्देश्य है साधारण भाषा में, आसान भाषा में आपके पास सोलर की जानकारी को कैसे पहुंचाएं जिससे आप आसानी से समझ सकें, और आप कहीं से भी सोलर परचेज कर रहे हैं तो ये हमारी जानकारी आपके काम आ सके। तो दोस्तों मैं वीडियो शुरू करता हूं। अगर आप एक व्यापारी हैं, आपकी दुकान है, आपकी दुकान का लोड है मात्र एक पंखा दो लाइट, तो आप मात्र 5,000 रुपये तक के खर्चे में अपने सिस्टम को चला सकते हैं। 5 से 8,000 रुपये तक के खर्चे में पूरे ज़िंदगी भर आप एक पैनल लें मात्र, चूंकि इन्वर्टर बैटरी तो ऑलरेडी आपके यहाँ शोरूम पर लगा हुआ होगा, पहले से आपकी दुकान पर इन्वर्टर बैटरी तो होगा, चूंकि आप लाइट से यूज कर रहे होंगे पंखे को, तो मात्र आप एक सोलर प्लेट ले सकते हैं जिसमें आप 150 वाट, 160 वाट, 190 वाट तक की प्लेट आ रही है आजकल 12 वोल्ट में। 12 वोल्ट की आपको प्लेट लेनी है तो जिसका मार्केट रेट लगभग 30 रुपये वाट से लेके, और जो अच्छी क्वालिटी की अगर आप लेंगे बायोफिशियल पैनल लेना चाहेंगे आप, तो लगभग मानिए 50 रुपये वाट। तो आपका जो खर्चा हुआ लगभग लगभग मान लीजिए 5,000 से 8,000 रुपये के बीच में आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपका एक पंखा चलता रहेगा पूरे दिन, शाम के टाइम आपकी लाइट जल जाएंगी, और इसमें आपको कोई कंट्रोलर भी नहीं लेना है दोस्तों। इसमें मात्र आपने पैनल लिया, आपके पास एडजस्टिंग जो बैटरी इन्वर्टर है जो आपके शोरूम में पहले से लगा हुआ है, उस पर बस पैनल के प्लस को बैटरी के प्लस पे लगाना है तार के माध्यम से, और पैनल के माइनस को बैटरी के माइनस पे लगाना है। आपने डायरेक्ट लगा दिया, डायरेक्ट आपका दिन भर चार्जिंग करता रहेगा, ओवर चार्ज की संभावना इसलिए नहीं है चूँकि पैनल की क्वांटिटी हमारी कम है। और रिवर्स करंट प्रोटेक्शन उसमें इसलिए है क्योंकि आजकल मोस्टली पैनलों में रिवर्स करंट प्रोटेक्शन आ गया है जिससे रात को करंट वापस ना जाए। पहले ये शिकायत होती थी कंट्रोलर की, इसलिए ज़रूरत पड़ती थी कम से कम पैनल में भी, क्योंकि रात को पैनल उल्टा खींच लेता था बैटरी को। लेकिन अब मोस्टली कंपनियां रिवर्स करंट प्रोटेक्शन देने लगी हैं, जो एमएनआरई की से अप्रूव जो भी कंपनियां हैं, जो अच्छी पैनल्स हैं बनाने वाली कंपनियां हैं, वो रिवर्स करंट प्रोटेक्शन देती हैं। तो यहाँ आपका कंट्रोलर का खर्चा भी घट गया। आपने सीधा पैनल लिया, आपने मान लो आपको थोड़ा सा लोड ज़्यादा है तो आपने 190 वाट का नेक्सस का पैनल लिया, तो 190 वाट का आपका पैनल हो गया। आपने उससे एक दिन भर पंखा चला, आपकी 2 लाइट चली, रात को आप 9-8 बजे तक भी अगर बैठ रहे हैं अपने शोरूम पर अपनी दुकान पर, तो आपके शाम की लाइट जल जाएंगी। आपकी शाम की लाइट जल के आपकी दुकान जब तक बंद होगी जब तक आपके यहाँ करंट बना रहेगा, आपको बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजली का कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमर्शियल कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, अगर आपका लोड थोड़ा ज़्यादा है, अभी कुछ दुकान है इसको शोरूम बड़े होते हैं जहाँ लाइट का ज़्यादा प्रयोग है, पंखे भी एक की जगह दो लग रहे हैं, या सीसीटीवी कैमरे आपने लगा रखे हैं, तो आप एक बैटरी पर उसी जो एडजस्टिंग बैटरी है उसी पर आप 450 वाट 500 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं बिना इन्वर्टर चेंज किए, उसी इन्वर्टर पर। उसमें आपको बस एक कंट्रोलर लेना पड़ेगा, तो नेक्सस कंपनी का कंट्रोलर है लगभग 950-1,000 रुपये के आसपास में, आप उस पर 500 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं। तो फिर आप 3 पैनल ले लें और 3 पैनल को लगाएं, सबके प्लस एक जगह सबके माइनस एक जगह जोड़ कर सीधा बैटरी पे आ जाएंगे, और आपका पूरी ज़िंदगी आप टेंशन फ्री हो जाएंगे बिजली की तरफ से। यहाँ भी खर्चा आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लगभग थोड़ा 10,000 से प्लस हो जाएगा। ये घरेलू जो नॉर्मल घर पे भी लोगों का लोड होता है, मोस्टली मैंने देखा कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल फैमिली रहती हैं, एक पंखे का लोड है, एक टीवी चल गया, थोड़ा बहुत मिक्सी विक्सी का लोड हो गया, नॉर्मल जो एवरेज लोड है, तो उसके लिए या टीवी चला लिया, तो उसके लिए दोस्तों उसके लिए भी ये सिस्टम अच्छा है। आपके घर पर जो इन्वर्टर बैटरी लग रहा है ऑलरेडी पहले से लग रहा है, उसी इन्वर्टर पर उसी बैटरी पर जो एडजस्टिंग आपके पास है आपको चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ पैनल लगाना है, तो आप वहाँ 3 पैनल लगा सकते हैं, ज़रूरत कम है 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ज़रूरत है। कुछ लोग दिन में काम करते हैं, रात के टाइम अपने घर आके रुकते हैं, ऐसे भी लोग हैं, तो जो इस तरीका के लोग हैं जो रात को आ रहे हैं दिन में लोड नहीं है उनका, तो दिन में आपने 190 वाट का भी अगर पैनल लगा रखा तो पूरी रात आपको एक पंखे इतनी बैटरी को चार्ज कर देगा कि आपकी पूरी रात एक पंखा और एक लाइट जल पाए आराम से पूरी रात। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए कि कम से कम खर्चे में आपका कैसे आप पैनल का यूज कर पाएँ, आपका बिजली के जो खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो ना हो, और आपको ना कनेक्शन लेना पड़े। तो इसी तरीका की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप रेगुलर जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एक व्यापारी हैं, आपका लोड कम है, आप अपने एक शॉपकीपर हैं, नॉर्मली सुबह 8 बजे से शाम को 9 बजे तक दुकान खुलती है,
आपको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ा है, या आपका कोई मिलने वाला जो व्यापारी हैं जिनको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ा, छोटे लेवल पर दुकान कर रहे हैं, तो कम से कम इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए। कुछ ऐसे दोस्त होंगे आपके, ऐसे साथी होंगे, रिश्तेदार होंगे जहां उनका लोड कम है, सिंगल फैमिली रह रहे हैं, बाहर रह के कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनका बहुत कम लोड है, तो वो सोलर सिस्टम लगवाएं। कम से कम खर्चे में उनका बिजली का जो महीने का बिल देना पड़ता है 1000 से 1200 रुपये, 1500 रुपये तक, वो ना देना पड़े, आप लोगों को बेनिफिट हो। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुपों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे उनका होने वाला आर्थिक नुकसान बच सके। नमस्कार दोस्तों।